ऋतिक रोशन की नई फिल्म सुपर 30 का ट्रेलर आज लॉन्च हो चुका है और फैंस के साथ साथ फिल्म के मेकर्स को भी उम्मीद है कि ये फिल्म अपना कमाल जरूर दिखाएगी। सुपर 30 मैथ जीनियस आनंद कुमार के जीवन पर आधारित है, जो बच्चों को IIT के एग्जाम के लिए ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन फिल्म का नाम सुपर 30 क्यों है? आखिर सुपर 30 है क्या? देश भर के कई स्टूडेंट IIT में एंट्री करना चाहते हैं, लेकिन सही ट्रेनिंग या पैसों की कमी की वजह से वो एग्जाम नहीं दे पाते, और इन्हीं बच्चों की मदद करता है सुपर 30। साल 2002 में IPS ऑफिसर अभय आनंद और मैथमेटिशियन आनंद कुमार ने मिलकर सुपर 30 की शुरुआत की थी। इस प्रोग्राम के तहत हर साल 30 ऐसे बच्चों को चुना जाता है जो IIT के JEE यानी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन को पास करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अच्छी और महंगी ट्रेनिंग ले सकें। सुपर 30 ऐसे ही 30 बच्चों को सिलेक्ट कर उन्हें मुफ्त में ट्रेनिंग देती है ताकि वो JEE को क्रैक कर सकें। हर साल सुपर 30 की टीम एक एलिजिबिलिटी टेस्ट करती है जहाँ हजारों स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें से कुल 30 टैलेंटेड स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है और उन्हें मुफ्त में ट्रेनिंग दी जाती है। इस प्रोग्राम में ना सिर्फ बच्चों को पढ़ाया जाता है बल्कि उन्हें खाना, किताबें और बाकी जरूरत के सामान भी मुफ्त में दिए जाते हैं। अब जरा सुपर 30 के रिजल्ट को भी देख लेते हैं। पहले साल इस प्रोग्राम में 30 में से 18 स्टूडेंट्स ने JEE को क्रैक किया था, तो वहीं साल 2004 में 30 में से 22 स्टूडेंट पास हुए, 2005 में 26 स्टूडेंट, तो वहीं 2006 में 28 स्टूडेंट ने JEE क्लियर किया। इस साल सुपर 30 की पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी और इस साल बिहार के CM नीतीश कुमार ने हर एक स्टूडेंट को 50,000 रुपए का इनाम भी दिया। फिर साल 2007 में 28 स्टूडेंट ने एग्जाम क्लियर किया और फिर वो साल आया जब सुपर 30 ने इतिहास रचा। इस साल 30 में से पूरे 30 स्टूडेंट्स को कामयाबी हासिल हुई। 100% रिजल्ट मिलने के बाद को-फाउंडर अभय आनंद ने इस प्रोग्राम को अलविदा कह दिया और मैथमेटिशियन आनंद कुमार ने अकेले ही पूरे प्रोग्राम को हैंडल किया। वैसे इस प्रोग्राम से ट्रेनिंग लेकर कई स्टूडेंट आज सुपर 30 में ही बच्चों को पढ़ाते हैं।